हेलो माय मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आप देख रहे होंगे इधर क्या फिर से भारत में नोटबंदी। तो आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि भारत में क्या फिर से भारत में जो है नोटबंदी आ गई है। तो हाँ, बिल्कुल सही सुने आप, भारत में है फिर से नोटबंदी आ चुकी है, लेकिन याद आएगा आपको 8 नवंबर 2016 ईस्वी को। ये जब सुने हुए कि भारत में फिर से नोटबंदी आ गई होगी, तो पहली बार जो इससे पहले भारत में नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी। तो फिर से आरबीआई ने यह जारी कर दिया है कि जो 2000 के नोट थे उनको लीगल टेंडर जो है दे दिया गया है, यानी कि ये कानूनी रूप से अभी वैध है वर्तमान में, लेकिन यह धीरे धीरे फिलहाल जो है इसको बंद कर दिया जाएगा। यानी कि जब तक आप सरकार ने आपको बहुत सारे समय दे दिए हैं, यानी कि 23 मई 2023 ईस्वी से लेकर के 30 सितंबर 2023 ईस्वी तक जो है भारत आपके पास अगर जो 2000 रुपये के नोट हैं तो आप इसको बैंक में जमा कर सकते हैं या मार्केट में अदला बदली कर सकते हैं या विनिमय प्रणाली जिसको कहते हैं, यानी कि नोट दे करके बैंक में नोट बदल सकते हैं। तो क्या यह नोट बदला जा सकता है या फिर जमा किया जा सकता है? जब एक बार में आप अगर जो नोट बदलना चाहेंगे तो एक बार में 2000 का पूरे 10 नोट आप एक बार में बदल सकते हैं। एक बार में मात्र आप 20,000 रुपया ही आप चेंज कर सकते हैं। अगर जो आप जमा करना चाहते हैं तो जितना आप जमा करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं, लेकिन जो है फिलहाल अगर जो आप बदलना चाहते हैं तो एक बार में मात्र 20,000 रुपया ही बदला जा सकता है 2000 रुपये के नोट का। तो अगर जो बैंक ये आपको बोलती है कि मैं ये पैसा जो है बैंक अगर जो आपको देती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो पैसा ले लीजिए, क्योंकि अभी जो है सरकार ने हमें 4.5 महीना का यानी 4.5 महीना का पूरे वक्त दे दिया है कि आप जो है नोट को फिर से बदल सकते हैं। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। कोई तो 2000 के नोट देखे होंगे नहीं, और कोई रात कुन्हीं के पास 2000 का नोट इतना होगा कि उनको रात भर नींद नहीं आने वाली है। तो आप सभी लोग को घबराने कोई बात नहीं है। जो आरबीआई के बीच ये जो चल रही थी 6 सालों से चल रही थी, क्योंकि 8 नवंबर 2016 ईस्वी को 500 रुपया और 1000 रुपया के नोट को बंद कर दिया गया था और उसके जगह 500 और 2000 के नोट को लाया गया था। तो फिर से है क्या चीज, फिर से जो है 23 मई से लेकर के 30 सितंबर 2023 तक आप जो है 2000 नोट को लीगल टेंडर दे दी गई है, यानी कि कानूनी रूप से वैध है। इसको आप 30 सितंबर तक बदल सकते हैं, उसके बाद इसकी जो 2000 की नोट जो है आपके सामने रद्दी और कागज के रूप में दिखाई देगा। तो कोई दिक्कत हड़बड़ाने की बात नहीं है, या आरबीआई की रिपोर्ट है तो आप जो देखे होंगे वो बदल सकते हैं। एक बार में आपको मात्र 20,000 रुपया ही बदले जा सकते हैं, लेकिन अगर जो आप बैंक में जमा करना चाहते हैं तो कितना रुपया जमा कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि सरकार जो है 4.5 महीने की यानी लंबे समय जो है वक्त दे चुकी है, तो इसमें हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। धन्यवाद।